चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा थी पढ़ें सबसे पहले? अच्छा, बिलाल शुरू कीजिए। अच्छा, القائل الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من البحر من بحر. قال الأخطل في مقارنة بين الفرزدق وجرير. बिलाल हमारे साथ पुराने हैं ना, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आपने यहाँ जरीरीन पढ़ा है ठीक, मैं बताइएगा आप जरीन क्यों पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पढ़ा यनहतु, ये बताइएगा आप ये किस बाब से आता है ठीक। अभी रुक जाइए, मैं पूछ लूँगा आपसे। मन्नत पढ़े तो आप। जी सर, मन मनिल कायलो अलफरज दको यनहतो मिन साखरिन व जरीर यग्रफ मिन बहरिन। काला मन्नत हो जरीर लकालो। में, जरीरा जी जरीरी जरीरू, तीन एराब आपके पास, कोई एक पढ़िए जरीरीन सर। ठीक। चलिए काला हो अलखतालो फी मुकारनाते बैन अलफरज दक व जरीर। फिर आपने बहल फरज तक व जरीर। मन्नत, हम लोग ना जज़्म से काम नहीं चलाते ठीक, हम लोग जबर पेश तीनों में से किसी एक को ही ये करते हैं, जज़्म कभी नहीं देते, इल्ला है कि ये। फिर से पढ़िए, कालो लफ्तली वाला जी, पढ़िए। قال هو الأخطل في مقارنات بين الفرزدق والزريرين. वो जरीरी कह रहे हैं आप ठीक। ठीक है, आपने यहाँ जरीरी कहा है, यहाँ पर भी जरीरी कहा है, यहाँ पर भी जरीरी कहा है, और आपने भी ये नहातू पढ़ा है ठीक। बहुत अच्छा, मीनारा तर्जमा कीजिए इसका। आपकी आवाज नहीं आ रही मीनारा। नहीं पढ़ेंगे आप? इंशा आप कीजिए। من القائل कहने ने कहा فرزدق ينحت من صخر وجرير يعرف من بحر। कि फरजदक पत्थर को तराश कर शेर कहते हैं, और जरीर मोती, मोती से समंदर से मोती, मोती निकाल चुल्लू कर, समुद्र से चुल्लू भर लो। मोती। قاله الأخطل في مقارنتي بين الفرزدق وجرير। इसको कहा है अख्तल ने फरजदक और जरीर के दरमियान जो मुकार, क्या हुआ था, मुकालमा, हाँ, मुकारना करते हुए ठीक है। मुकालमी। बहुत अच्छा इंसान। ये तो पहले ये बताइए कि ये किस बाब से है, नहाते यानी तू, मैं बता दिया आपको। चलिए जरा बस ठीक। वकान यनहितून मिन अलजिबाल बुयूतन आमिनीन, कुरान ने इस्तेमाल किया, कुरान में है ये। नहत यनहितू मतलब ये के तराशना। वकान यनहितून मिन अलजिबाल बुयूतन, पहाड़ों में से घरों को इत्मीनान से तराश लिया करते थे। ये तो हो गया आपका। उसके बाद देखें आप, बहुत से साथी यहाँ जेर पढ़ रहे थे, बताइए तो क्यों जेर पढ़ेंगे, कौन कौन थे आपने से? बिलाल, मन्नत, बताइए क्यों जेर पढ़ना चाहते हैं आप लोग? जेर पढ़ने के क्या कायदे बताया गया आपको? सर दो कायदे, बताएं। मुदाफ मुदाफिल है और हर्फ जर। क्या कुछ है यहाँ पर? सर हर्फ जर है ना, यानी हेतु के बाद। अच्छा ऐसा, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ठीक। चलिए अब
आप इतना तर्जमा कीजिए तो। अगर मिन को आप दाखिल मानते हैं जरीर पर भी, तो तर्जमा में आपको परेशानी होनी चाहिए क्योंकि दोनों पर दाखिल है। लेकिन अगर उसका सिर्फ एक पर काम चल रहा है, एक ही पर काम कर पा रहा हो, तो आप उधर नहीं पड़ेगा वो। सिंपल सा आपको ये देखना है, अल फरजदक यानी तो मिन सफरिन। फरजदक जो है वो चट्टान से पत्थर तराशता है। यहाँ तक तो बात खत्म हो जाती है, मिन का अमल खत्म है यहाँ पर। वाव से अलग बहस चल रही है कि जरीर जो है यगरिफो मिन बहरीन, समंदर से चुल्लू निकालता है, तो अलग बहस है। तो आपको शायद ही डाउट हो गया होगा कि मीन वहाँ पर जा रहा है। कोई बात नहीं, एक दूसरे साथी तो उन्होंने भी जेर पढ़ा था, बताइए तो आप क्यों जेर पढ़े थे? आपको भी ऐसे लगा था क्या? हाँ सर, वही हरफी जेर के लिए वही पढ़ा था। ओके, बहुत अच्छा। बहरहाल हमें जो इन्होंने तर्जमा किया, अभी कौन थे वो तर्जमा जिन्होंने किया था? इंशा आप थे शायद। इंशा आप यहाँ पर सिर्फ जेर पढ़ना चाहते हैं, क्यों तनवीन क्यों नहीं देना चाहते इसको? जोर से बोलिए इंशा, क्या कह रहे हैं आप? जी सर, दे सकते हैं फिर कैसे कोई। अच्छा, आप कह रहे दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते तो इसकी वजह बताएं। नहीं दे सकते। मतलब देंगे ना या दे सकते हैं, क्या कह रहे हैं आप? सर मतलब कोई हरज नहीं, अलिफ लाम भी नहीं है तो दे सकते। कोई हरज नहीं, इनसे ये कहा जाएगा कि देना ही पड़ेगा, ये कहेंगे आप दे सकते हैं, हरज नहीं है, देना देना ही पड़ेगा ही पड़ेगा बिल्कुल। जब भाई इस पर जी। कोई और चीज है ही नहीं, ये मुकारना इसमें है, अलिफ लाम भी नहीं, तो उसे देने कह रहे थे हमें काला हो लख तो फिर मुकारना तीन बैनल फरज दकी वह जरीरी। वो साथी थे वो जरीर पर तनवीन नहीं देना चाहते, बताए तो क्यों नहीं देना चाहते आप? कौन साथी थे वो तनवीन नहीं देना चाह रहे थे इस पर? अच्छा, शायद मन्नत आप थे। अच्छा, नहीं सर, मैं जरूरी पढ़ा था। पढ़े थे आप, बहुत अच्छा। बहरहाल ये समझ में आया पूरा। मरिल कायलू अल फरज़दक यनहितु मिन सखरिन वजरीरुन यगरिफु मिन बहरीन। किसने कहा कि फरजदक जो है यनहितु मिन सखरिन, तराशता है पत्थर, मिन सखर चट्टान से, और जरीर जो है यगरिफु गरफ है चुल्लू रहना, गरफ गुरफतम भी यदि दूसरे पारे में है, कि वह जरीर जो है यगरिफु मिन बहरीन, समंदर से चुल्लू लेता है। काल हुल अख्तलु फी मुकारनतिन बैन अल फरजदकी व जरीरिन। इसको अख्तल ने कहा है फरजदक और जरीर के दरमियान मुकारना करते हुए। किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें, कोई तर्जुमा में दिक्कत हो, कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। मुकारना कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मुकारना का माना क्या है सर? कंपेयर करना, कंपैरिजन कहते हैं ना उसे, को मुकारना कहते हैं। चलिए ठीक है, जैसे आप कहते हैं कंपेरिटिकल दिरासत मुकारना बैना हद शायर व हद शायर, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं उसको, कंपेरिजन स्टडी स्टडी ऐसे कुछ कहते हैं। क्या कह रहे मीनार आप? मीनार आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप म्यूट भी नहीं हो रही, पता नहीं कैसे। चलिए ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन होइए। मेरा सबको समझ आ गया यहाँ तक? चलिए जी आगे सर। पढ़िए।
शरीफ आप पढ़ें। जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हो या कहीं स्कूल जा रहे हो, आप आज यूनिवर्सिटी क्लास है आपकी, तो हमें चैट में कर दें कि सर हम नहीं पढ़ पाएंगे, आप हमारा नाम ना लें, तो मैं नहीं लूँगा, तो टाइम भी ये नहीं होगा। ठीक, बुशरा आप पढ़ें इसको। السلام عليكم. وعليكم السلام. أحد الشعراء النقائز مدح الملوك الأمويين وسمي بشاعر الخليفة من؟ هو الشاعر النصراني نصراني الأختل. بہت اچھا. راغب آپ پڑھیں. ठीक है शरीफ, जाइए क्लास, मैं देख लिया आपका। बिस्मिल्लाह। अहद अश्शरा या नकाइज मदह अल मुलूक अल उमवी अल उमवीन سمي بالشاعر الخليفة من هو الشاعر النصراني الأختالي. راغب آپ یہاں پر بھی زبر دیے ہیں اور یہاں پر زیر دیے ہیں. ٹھیک, تو یہ تو آپ پرانے ہیں, آپ کو تو پتہ ہو کہ زیر کہاں, مطلب زیر کے کیا قاعدے ہیں, زبر کے کیا قاعدے ہیں. تو ابھی آپ مجھے بتائیے گا, ٹھیک, کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. میزان آپ پڑھیں, آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا, ترجمہ کیجیے میزان. جی سر. احد الشعراء النقائد مدح ملوكين وسمي بشاعر الخليفة من هو شاعر نصراني نقائد شعراء میں سے ایک ہے جو بادشاہوں کا مدح کیا اور اس کے اس کو جانا جاتا ہے خلیفہ نام سے. وہ کون ہے؟ ہوا شاعر نصر الاختل, وہ نصرانی شاعر ہے اختل. بہت اچھا, ماشاء اللہ. تو راغب آپ بتائیں, یہاں زیر کیوں دیں گے آپ, کیوں دینا چاہتے ہیں اس کو زیر, زیر دینے کیا قاعدے ہیں؟ زیر دینے کا دو ہی قاعدہ بتایا گیا تھا بس, آپ کو زیادہ تو بتایا نہیں گیا, بتائیے. راغب جی, راغب بتائیے نا, آپ کیوں میوٹ ہو جا رہے ہیں بار بار؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ زیر کیوں دے رہے ہیں. شاید ان کو آواز نہیں پہنچ رہی, کوئی بات نہیں. مدح الملوك الأمويين کیا پڑھنا چاہیے؟ زبر ہی پڑھیں گے. مدح فعل ہے, اس کے اندر فائل ہے, یہ شعرا نقائض والا فائل بن جائے گا اور اس کو مفعول بنے گا. ٹھیک, مدح الملوک الامویین, اس نے مدح کی, امویین بادشاہ کی, تو مفعول بنے گا, تو ظاہر سی بات اسے نصب پڑھیں گے. بہت اچھا راغب. یہاں پر کس نے پڑھا تھا یہ نصرانی یا زبر؟ چلیے, آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھا تھا یہ نا, یہ ہوا شاعر النصرانی الاختلو ہے. ٹھیک ہے, پورا ایک طرح سے چلے گئے, ہوا شاعر النصرانی الاختلو. زبر زیر دینے جو قاعدے بتائے گئے اس کو تھوڑا ذہن میں رکھے گا تو یہ چیز نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے. تو یہ پورا ہوا احد الشعراء النقائض, شعراء نقائض میں سے ایک, مدح الملوک الامویین, جس نے امویین بادشاہ کی مدح کی, وسمی بشاعر الخلیفہ,
और उसका नाम क्या है, यानी वो मशहूर किस नाम से है, शारुल खलीफा के नाम से। तो वो कौन है, वह शायर नसरानी जुल अख्तलू, वो नसरानी शायर अख्तल है। किसी को कोई दिक्कत इसमें, कुछ ना समझ में आया हो, कुछ हाँ सर, या कहना शायरों पर चाहते कि शायरी पर है कहाँ पर? जी, वह सुमिया बे शायरुल खलीफा या शायरिल खलीफा। मन्नत ये पहले बात बताई गई है कि जो ना शाहुल खलीफा एक मान लीजिए कि एक लकब है उसका, ठीक। तो बाकी वैसे तो आप जेर देंगे इसको, क्योंकि बाहर पे जरा तो शाहुल खलीफा कह दें, और अगर आप नहीं देना चाहते तो एज इट इज जैसा है शाहुल खलीफा वैसा भी कह सकते हैं, ठीक। बाकी बाकी वैसे आप जेर देना चाहें दे सकते। और किन्हीं को कोई बात इसमें? नहीं सर, ठीक है, अगला पढ़े। हाँ अब्दुल्ला आप हाँ सर, पढ़े। في أي فن من الشعر اشتهر الأخطل؟ اشتهر الأخطل في المدح. अच्छा मिनहाज आप पढ़े। جي في أي فن من الشعر اشتهر الأخطل؟ اشتهر الأخطل في المدح. ठीक, बहुत अच्छा। तर्जमा कर दें कोई, प्रिंसेस तर्जमा करें इसका। في أي فن من الشعر اشتهر أخطل؟ أخطل किस शायर के फन में मशहूर थे? اشتهر الأخطل في المدح, वो मदह में मशहूर थे। अख्तल मदह में मशहूर थे, मदह के फन में। हाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी, ठीक। ये मदह में है, जरीर किस में है? हिजाब में में है, और इस एतबार से वो गज़ल का भी बहुत बड़ा शायर है, ठीक। और फरजदक किस में फक्र है, में फरजदक। ये सब याद रखिएगा। हसान किस में है, हसान रज़ी अल्लाह। तो मधा में भी और हिजा में भी है, ज्यादा से ज्यादा मधा में। ज्यादा हिजा में दो शायद वो हसान रज़ी अल्लाह। और किन्हें पता है हसन रज़ी अल्लाह ज्यादा किस में? ठीक है, फी अय फन मिन अश्शेर इश्तहर अख्तल। पहले इस तरह तर्जमा करेंगे, शेर के किस फन में अख्तल मशहूर हुआ? तो अख्तल मशहूर हुआ मदा में, यह आसान था, ठीक। नजमुल पढ़े आप। हाँ जी सर, आंसर जी, में उसको इश्तहारा पढ़ा जाए या उश्तुहिरा पढ़ा जाए? दोनों पढ़ सकते हैं आप, ठीक। इस तरह हमारे मशहूर, उस तरह हमारे मशहूर। जी सर, शुक्रन। नजमुल पढ़े। मन शायर अल्लदी लकबहु। इतनी आवाज है नजमुल, नाश्ता वास्ता नहीं किया नजमुल, 9 बजने वाला है। من الشاعر الذي لقبه عبد الملك بن مروان مروان بشاعر بني أمية هو أحد أشهر الشعراء الأمويين الأخطل؟ नजमुल किसी चीज़ को पढ़ने की ये भी है, अगर आप सही पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको चबा चबा पढ़ें, बिल्कुल ठेर ठेर के। जैसे कि अगर इंग्लिश हमें नहीं आती तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या है कि आप इतना ज़ोर से पढ़ें, आप इतना चबा चबा के पढ़ें कि ज़ुबान आपकी बिल्कुल टूट जाए। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ ऊपर वाला, फ़ी अय फ़न मिन अश्शेरी उश्तुहिरल अख्तलू, उश्तुहिरल अख्तलू फिल मदही। ऐसा आप पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग सीखने के लिए आए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अलबत्त आप कहीं कहीं बड़ी जगह गए हैं, वहाँ पर आपको कोई पढ़ना है कोई इस तरह की चीज़, तो आप उसको इस तरह पढ़ेंगे, फ़ी अय फ़न मिन अश्शेर इश्तहर अल-अख़तल इश्तहर अल-अख़तल फ़िल मदही, ऐसा पढ़ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल तोड़ तोड़ कर पढ़िए, चलिए आहिस्ता पढ़िए, तोड़ के पढ़िए।
जोर से पढ़िए। मन शायर अल्लदी लक्कबहु अब्दुल मलिक इब्न मरवान بشاعر بني أمية هو أحد أشهر الشعراء الأمويين الأخطل. ठीक है, मतलब आपने इसको अशहूर पढ़ा है, फिर इसको शुआराओ पढ़ा है, इसको शायरिन पढ़ा है, बेटा शुआरा है। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, आपने शुआराई यहाँ शायरिन पढ़ा है। ठीक, अच्छी बात, मैं आपसे पूछ लूंगा। अभी रुकइए, पढ़े तो इसको। शायद नहीं पढ़ पाएंगे, रुना पढ़े इसको। ओके सर। मन अशाइरु अल्लज़ी लक्का बाहु अब्दुल मलिकी इब्नु मरवान इन बिशाइर इन नबीयु उमय्यती बनीयु हुआ अहादु उस्तहिरा अश्वारोई उमी अमुबीना अल अख्तलु। ठीक है रुना, आप हमें बताएं, सिर्फ इतना को फिर से पढ़े तो मैं काट दे रहा हूँ इसको। पढ़े तो इतना तक। सर, अब्दुल मलिक इब्नु मरवानी। अब्दुल मलिक इब्नु मरवानी। मलिक पे काफ पे क्या देंगे आप? अब्दुल मलिक ही सर। ठीक है, तो इब्ने कह रहा आप क्या होता है? पेश होता है सर, हमेशा सर। इब्न मुजब होता है ना सर। बहुत अच्छी बात। इब्ने के बारे में आपने अपने कापी में देखे तो क्या कायदा लिखा है? सर, मेरे पास एक ही है कि इब्न हमेशा मुजब होता है और उसके बाद वाला मुजब इलाही होता है। बस इतना ही लिखा आपने, ये नहीं लिखा कि इब्ने का एराब अपने माकबल के ताबे होता है, जैसा उससे पहले वाले पे एराब होगा वैसा ही इस पर होगा। ओके सर, ये तो नहीं था सर मेरे पास। लिख लीजिए आप, इब्न कैराब अपने माकबल के ताबे होता है। आप यहाँ पर जेर पढ़ रहे हैं अब्दुल मलिक की, तो सेम चीज आप इब्न के नीचे भी जेर पढ़ेंगे। ठीक है सर। सर ये मुझे पता नहीं था तो। ठीक, बहुत अच्छा। फिर आपने क्या पढ़ा यहाँ पर? सिर्फ इसको इतना पढ़े तो आप, ये मैं पूरा काट रहा हूँ, सिर्फ आखिर वाला पढ़े तो। मैं मुझे मुझे बोल रही है। हाँ पढ़िए। ओके सर। बी शायरिन नबीयु। रुना, बा पहले है फिर नून है, नबी होने के लिए नून पहले हो फिर बा होनी चाहिए। ओके सर, सॉरी। शायरिन बनी उमय्याती। ठीक है रुना, मैं आपको एक एराब लिख के दे रहा हूँ, आप हमें उसमें बताइएगा कि क्या पढ़ेंगे आप उसको। ठीक। अच्छा चलिए, आप इसका तर्जमा कीजिए तो। क्या तर्जमा करेंगे आप इसको, कीजिए तो। से तर्जमा को बनी उमय्या की शायर थी। बनी उमय्या का शायर करेंगे आप? क्या क्या कायदा बन सकता है बताइए? मौसूफ सिफात, मुजाफ मुजाफिले, क्या बन सकता है ये मुबतदा खबर? सर मुजब मुजब इलाही लगता है। मुजाफ का क्या कायदा है रुना? रुना मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, ये आप लिखे हैं। हाँ सर। फिर क्या पढ़ेंगे आप? सर अलिफ लाम तो नहीं है तो। हाँ तो मौसूफ सिफात ही होगा सर। रुना मौसूफ सिफत नहीं है ये, मुजाफ मुजाफिले ही। आपको तर्जमा पता चल गया ना, बनी उमैया का शायर। सिंपल सा आप माना यहाँ भी करते हैं, अगर आपके सामने होता ये गुलाम जैदीन तो आप इसका माना क्या करते हैं? जैद का गुलाम, ये तो करते हैं आप। सिंपल सा आप माना ये कर रहे हैं आप, बनी उमैया का शायर। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि शायर मुजाफ है, बनी उमैया मुजाफिले है पूरा। ठीक, तो अब भी बताइए कि शायर पर आप क्या देंगे आप? सर पेश देंगे, अभी बा नहीं है तो पेश देंगे सर। पेश दीजिए आप।
سر شاعرون بنی ان امیاتی تنوین مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی رونا تنوین نہیں آتی بہت اچھا رونا رونا آپ کو ایک چیز اور یاد رکھیے ایک تو یہ قاعدہ آپ کو یاد ہو گیا امیہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے ٹھیک غیر منصرف آپ کو پہچاننا بہت آسان ہے یہاں پر بتائیے تو کیا کیا سبب ہو سکتا ہے غیر منصرف کا یہاں پر سر ایک تو ایک تانی سے سر ٹھیک ہے یہ بنی امیہ ایک نام ہے ٹھیک امیہ وہ علم بھی ہے اس میں یہ پورا ہے بی من الشاعر الذي لقبه عبد الملك بن مر عبد الملك بن مروان بشاعر بني أمية بشاعر بني أمية بني أمية کے شاعر کا لقب کس عبد الملك بن مروان نے کس کو دیا تھا یہ ہے پورا ٹھیک ہے رونا رونا آپ ہی بتائیں جی سر بانی امیہ تھا یہ پھر مضاف مضاف الیہ نہیں ہوتا ہے کیا سر ہاں بالکل مضاف مضاف الیہ امیہ تو امیہ سے ہوگا نا سر کیوں مثال غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں کیا ہے میدان تو اگر مضاف مضاف الیہ ہوگا تو وہ تو غیر منصرف نہیں رہے گا نا میزان آپ کو اس کو مضاف بنانا پڑے گا یہ فرق سمجھے آپ آپ کو ڈائریکٹ جو غیر منصرف کا لفظ ہے اس کو اگر مضاف بناتے ہیں تب وہ غیر منصرف نہیں رہتا ٹھیک لیکن اگر وہ مضافلے بن کے آ رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پر رہے گا جیسے کہ مثال دیکھیے یہ ہے مساجد یہ جامع منتحل جموں اکیلے 200 پہ قائم مقام ہے ٹھیک ٹھیک ہے میزان ہم نے با داخل کیا اس پر باہر پہ جا کیا پڑھیں گے آپ اس کو آپ بھی مساجدہ ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس کو مساجد کو مضاف بنا دیتے ہیں اور کم داخل کر دیتے ہیں اب پڑھیے آپ بھی مساجد کم اب کیوں زیر دے رہے ہیں آپ کیونکہ یہ سمپل سے جو مساجد ہے نا یہی مضاف بن گیا تب جا کر کے یہ اپنا اعراب کھو دے گا غیر منصرف ہونے کا ورنہ اگر آپ اس کو مضاف نہیں بناتے ہیں تو یہ اعراب نہیں کھوئے گا ٹھیک ہے اور کنہیں کو کوئی بات اس میں اس طرح رونا آپ اس کو بار بار اشہور پڑھ رہے ہیں جی منت وہی سر وہاں اشہور پڑھے کہ اشہر پڑھے منت بتائیں آپ اشہور پڑھیں گے تو اشہر پڑھیں گے کیا فرق ہے اس میں نہیں سر وہ اس میں تبدیل یہاں پر جو آدمی ایک ساتھ بولیں گے نا تو آواز نہیں آتی ٹھیک تو آپ کے پاس نا اوپر ہاتھ اٹھانے کا یہ آپشن دکھ رہا ہے اس پہ فوراً کلک کر دیا کریں کہ میں بولنا چاہتا ہوں باقی میں کسی ایک کو بولنے کا ہوں تو وہ بولیں گے ٹھیک مثال ہاں بتائیں تو منت کیا کہہ رہے ہیں اشہر اشہر کیا کہہ رہے ہیں ہاں سر یہاں میں اشہر پڑھوں گا اسی لیے کہ حد کو مجب اور اشہر مجب ہی لیں اور سر یہ اس اشعار یہ جو اس میں تبدیل ہے تو ان کا اعراب چینج ہو سکتا ہے سر کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا تب تو اشعار پڑھیں گے اچھا بھائی سر منت یہ اصل میں نا اس میں ہے ٹھیک جو چینج نہ ہونے کی بات ہوتی ہے نا اس کے عین حرف پر بات ہوتی ہے جیسے اف آلو ہے نا اف آلو اس میں تبدیل کا پہلے سے گیا ہے آپ اس کو مانیں افضلو یہ ہے اس میں تبدیل ہے یہ افضلو سب سے افضل کے معنی میں تو جو چینجنگ نہیں ہونی نا اس پر نہیں ہوگی ذات پہ کبھی بھی نہیں ہوگی افزو افزی افزی یہ سب نہیں ہوتا یہ اللہ کے جمع وغیرہ بنے تو الگ بات ہے لیکن واحد رہے گا اگر وہ تو نہیں ہوگا البتہ لام پر جو ہے اعراب میں وہ ہو سکتا ہے اس میں ہے وہ چونکہ تو اعراب کی تبدیلی ہو سکتی ہے تو آپ احد جو کہ مضاف ہے مضاف الیہ بنے گا ہوا احد اشہر الشعراء الامویین الاختلو ٹھیک ہے سر اور کنے کو کوئی پریشانی اس میں
मेरा आपको समझ आया पूरा ये? सर ये मरवान का है, आप समझ नहीं आया? मरवान ना, हाँ बताइए क्या पढ़ेंगे आप इस पे? पढ़े आप, सर इतना सा पढ़े आप? अब्दुल मलिक इब्न, जी अब्दुल मलिक इब्न, अब्दुल मलिक भी मुजाफ मुजाफ ले, तो इब्न भी अपने उसके माहतहत है, अब्दुल मलिक इब्नी मरवाना, मरवाना गैर मुनसरिफ आएगा सर ये? बिल्कुल, अलिफ नून है, आलम है, सलमान, मरवान, मान सलमान, जिशान, ये इरफान, सब तो एक ही है। चलिए बहुत अच्छा, और कहीं कोई परेशानी भाई? अच्छा सर इसम तफजील बोलो। के जो, हाँ सर, लम कलेमा की जो हरकत है वो चेंज होते हैं सर हालात की वजह से? मुझे तो लगता है रोना होता है कुछ और है, आप किन्हीं को पता है तो बताइए, कुरान में कहीं इसमें तफजील? ओके सर, यहाँ पर तो सिंपल है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अकबर में तो अकबर ही है, मिन अकबरी यसअलूनक अन अश्शहर अलहराम कितालिन फीह। सर असल लकद में खलक अशहुर जो है ना, इंसाना भी, अशहुर जो है ना मन्नत, वो है शहर की जमा, शायद वो उसका महीने की जमा पे आता हो, अशहुर शहरों की जमा शहूर है, और शायद अशहुर भी है, और ये जो अशहर है ना ये सबसे मशहूर के माने में, तो यहाँ पर अशहर ही है, ये अशहुर नहीं है। जी सर इससे पहले आपने कहा था अशहरी आएगा। बाकी जो एराब की चेंजिंग ना, वो एराब की चेंजिंग होगी, ऐसा नहीं कि ये मबनी है, मबनी होता ना जैसे कि फेल माजी है वो हमेशा में फतह होता है, या फेल मुजारे है, तो नहीं होगी चेंजिंग, लेकिन ये इसमें तब्दील है, चेंजिंग होगी काम करने वाला एराब जो उसका। और कोई कुछ कहेंगे? जी सर लकब आएगा या लुकिबा? लुकिबा हो भाई आप लोग की बात कहेंगे तो आपको नाए फाइल मानना पड़ेगा, है कि नहीं? और उसमें जो नाए फाइल मानना पड़ेगा, हालांकि अब्दुल मलिक बिन मरवान सामने है तो है फाइल, तो आप लोग की बात नहीं पढ़ सकते उसको, मतलब कि लोग की बात जब पढ़ते हैं हम, जबकि नाए फाइल को हम वो क्या बोलते हैं जो फाइल असल था उसको हम मजहूल मान लेके, यार वो पता नहीं उसका, लेकिन यहाँ साफ है कि अब्दुल मलिक ने लकब दिया, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? लकबहू, उसको लकब दिया अब्दुल मलिक ने, तो फाइल तो सामने मौजूद है, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ठीक जी सर। ठीक जी, मन्नत कुछ कह रहे हैं आप? जी कौन सर नहीं वो पढ़े रिपोर्ट पढ़े का आए तो? थे, कौन का आए थे? जी मन्नत, जी मन्नत, मैं सर पढ़ता हूँ, मैं शायरुन नसरानियुन इत्तसल बिअब्दिल मालिक इब्ने मरवाना वकाना यदखुल अलैहि बिगैर इज़्निन वअलैहि जुब्बतुन खुज़ुन वफी उनकी सिलसिलतु जहबिन फीहा सलीबुन तनफुजु लाहियतुहु खमरन मन हुआ अहदु शोरा इन नकाइजे अलख्तालो। ठीक मन्नत, आपने यहाँ पर पढ़ा है जुब्बतुल खज़ून इस तरह ना? ठीक, जुब्बतुन है और सर, जुब्बतुन खुज़ुम, हाँ ठीक है मन्नत, ठीक है, और आपने पढ़ा लहिया, ठीक, दोनों आप अभी मैं पूछूंगा आपसे, ठीक रुक जाइए, और जो ना पढ़े वो पढ़िए आप में से, सराजुल चलिए, जो दो दूसरी बार ना पढ़े वो लोग पढ़ लीजिए, जो दो बार ना पढ़े हो अब तक वो पढ़िए। ये सर हम पढ़े।
ठीक है मिजान। شاعر نصراني اتصل بعبد الملك بن مروان وقته بغير إذن وعليه جبة خزن وفي ذهب فيها صليب تنفض لحيته خمرا من أحد الشعراء النقائد الأخطل. ठीक है आपने पढ़ा जुब्बतन खज़न है, जबर देने का कायदा बताइएगा मुझे। और आपने पढ़ा मरवानी जेर, हालांकि मरवान के बारे में ऊपर बहस आ गई थी। चलिए अच्छी बात, तर्जमा की तो कोई मेरा तर्जमा कीजिए तो। شاعر نصراني نصراني شاعر اتصل بعبد الملك بن مروان جو ملا عبد الملك بن مروان سے وكان يدخل عليه بغير اذن اور وہ داخل ہوتا تھا ان پر بغیر اجازت کے مطلب ان کی مجلس میں وعليه جبة خزن اور ان پر سر اس کا پتہ نہیں خزن کا کیا مطلب ہے وہ خزن ہے کوئی اونی کپڑا لے لیجئے اس کا روئی ہوتا تھا اور ان پر کوئی ऊनी कपड़े का जुब्बा उन पर ऊनी कपड़े का जुब्बा मुजाम मुजाफले बनेगा पर ऊनी कपड़े का जुब्बा रहता था वफी उनकी ही सिलसिलाती ज़हबी ज़हबिन फीहा सुलेबिन तन फजुली हयती ही खमरन मन और उनके गले में सोने की जो चेन वो लटकी रहती थी मतलब सुलेब जो वो निशान होता है उनका किस क्रिश्चियन का होता है किसका वो सोने की जंजीर थी जिसमें सलीब था जिसमें सलीब सोने की जंजीर थी जिसमें सलीब लटका हुआ था और उनकी दाढ़ी से शराब लटकती थी वो कौन है हुआ अहदु शुअरा जी सर दाढ़ी से शराब टपकना टपकती थी उनकी दाढ़ी से शराब टपकती थी वो कौन है हुआ अहदु शुअरा इन नकाइजी अल अख्तल वो नकाइज के शुअरा में से एक है अख्तल मेरा आप हमारे बहुत पुराने यहाँ के ये हैं आपने जो पढ़ा है जुब्बतिन खज़िन कहा है सिलसिलतिन कहा है सुलेबिन कहा है बताइए तो क्यों ऐसा कहना चाहते हैं आप सर वह अला की वजह से वह अलैही माना कीजिए तो सिर्फ इतने का जितना निशान दिया उतना माना कीजिए तो और उन पर ऊन का जुब्बा रहता था ऊन का जुब्बा पहने रहते थे तो इबारत पढ़िए आप وعليه جبة خزن میرا اب میں ایک چیز لکھ رہا ہوں دیکھیں یہ میں لکھ رہا ہوں علیہ یہ ضمیر کا مرجع جو ہے ٹیبل ہے ٹھیک yes, sir. پڑھیے علیہ کتاب زید کیا معنی کریں گے آپ میرا اس پر زید کی کتاب ہے تو اب میرا مضاف پر تنوین آتی ہے کتاب زید علیہ کتاب زید و علیہ جبۃ خز معنی کیجیے آپ اور اس پر روئی کا وہ اون کا جبہ رہتا تھا ठीक है इसका ख्याल रखें भैया मिजाज पर तनवीन तो ये मतलब के बेसिक गलती है ये पढ़े आगे वफी उनुकी सिलसिलतु ज़हबिन आगे और गर्दन में सोने की वो जो चेन फीहा सुलेइब सुलेब क्या है मेरा मेरा जब आप जानते हैं ना हम लोग जबर जेर पेश तीन ही लगाते हैं कभी जज्म से काम नहीं चलाते सर सुलेब ठीक है मेरा मैं इसको भी काट रहा हूँ ठीक मेरा मैं लिख रहा हूँ पढ़िए यहाँ से मुराद है हाज अमीर का मर्जा घर ठीक पढ़िए
फीहा उसमें रजुलुन। क्यों तरीन क्यों दे रहे हैं आप? फीहा रजुलु क्यों पेश क्यों तरीन क्यों देना चाहते हैं आप? ठीक है मीरा, मैं एक तरह से और लिख रहा हूँ। ठीक, लास्ट आपके लिए ऑप्शन है, पढ़िए। रजुलुन फीहा। क्यों अब तरीन क्यों दे रहे हैं आप? सर अलिफ लाम के बगैर है तो फिर ऊपर क्यों नहीं दे रहे हैं आप मीरा? फीहा रजुलुन। मेरा कितनी सिंपल सी बात थी मेरा, एक मरतबा इससे पहले भी आया था बिल्कुल शुरू शुरू में, लिमन हाजल किताब हो है ना, तो उसमें हम लोगों से गलती हो गई थी। ठीक, कोई लिमन हाजल किताब ही या इस तरह से पढ़ रहे थे ठीक हम लोग, लेकिन जब इसी को इधर से लिख दिया गया हाजल किताब, हाजल किताब हो, तो अब ये सब लोगों ने सही पढ़ा गया हाजल किताब हो, अब वहाँ पर कोई जेर नहीं दे रहा था। सिंपल से है मेरा, इसमें तो बहुत आसान है मेरा, लेकिन मेरा अगर मतलब थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ तो इससे ये मत होइएगा, चल मत जाइएगा। ठीक, कुछ दिन रहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाइएगा। ठीक, और आप में से किसी को दिक्कत भाई, कोई साथी हो? देखिए इसी तरह से अच्छों के अब हम लोग के 10-15 दिन हो गए, तो अब मैं आपको बिल्कुल उस तरह से तो नहीं कहूँगा कि मतलब मैं ही तर्जमा कर दूँ, अब मैं आपसे कराऊंगा तर्जमा ताकि आपको परेशानी ना हो, आप ना झेलें इस मुसीबत को फिर दोबारा। हाँ बताए मन्ना। हाँ सर, सलीबुल को यहाँ क्या मुबदता कहे या खबर कहे सलीबुल को? फिहा सलीबुन तो ये मुबतदा ही लगता है सर। फिहा सलीबुन, आप ये देखिए, ये मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। पढ़िए तो सलीबुन फिहा, किसको मुबतदा किसको खबर बनाएंगे आप? सलीब को मुबतदा कहेंगे और फिहा को खबर। क्यों मन्नत, आप फिहा को मुबतदा क्यों नहीं बना सकते? मन्नत, आप ये बताइए, मन्नत आप ये बताइए कि आपके पास कॉपी है, आपने कभी एक दो कायदे लिखे जो आज तक मैं बताया हूँ या सिर्फ याद है आपको? नहीं नहीं सर, लिखा हो। कितने कायदे लिखे हैं आप मन्नत आज तक? सर आपका क्लास हम तो ज्यादा दिन से कर नहीं कर रहे हैं, आपका आज मेरा थर्ड क्लास है आपका सर। ओहो ठीक है ठीक मन्नत, ठीक ठीक कोई बात नहीं मन्नत, आप एक कायदा लिखिए, हरूफ जार जो है कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकते, कभी भी इस्म नहीं बन सकते। ठीक मन्नत, ठीक है जी, तो दोबारा आपसे गलती नहीं हो। ठीक, अब फीहा को कभी भी आप इस्म बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि कायदा बहुत आम है, हरूफ जार या इस तरह की जो चीजें हैं कभी भी इसमें या कभी भी खबर नहीं बन सकते। और क्या कह रहा हूँ, कभी भी इसमें कभी मुतदा नहीं बन सकते, खबर बन सकते हैं सिर्फ। ठीक, जैसे कि आप मिसाल लीजिए, काना है, काना लहू अल्लाह। ठीक, यानी कि ये माना हुआ कान अल्लाह लहू, अल्लाह ताला उसके हो गए ऐसा कुछ। तो आप देखिए कि लहू जो है काना के बाद फौरन है, अल्लाह तो बहुत दूर में है। तो आप अगर ये कायदा आपको याद होगा कि हरूफ जार कभी भी खबर बन ही नहीं, कभी भी इसमें बन ही नहीं सकते, तो आप लहू को काना का इसमें कभी बनाएंगे ही नहीं, अल्लाह को ही इसमें बनाएंगे, लहू को खबर बनाएंगे आप। समझाया मन्नत? जी जी एकदम, बहुत अच्छा मन्नत। और किन्हीं को कोई बात कहनी भाई, ऐसे ही पूछ लीजिए भाई, जब नहीं है तो पूछ लीजिए। सर काना कैसे हुरूफ जार हुआ सर? लहू काना कहाँ पे जार रुना, देखिए ये लिखा ना मैं, काना लहू अल्लाह ये लिखा था ना मैं। हाँ सर, तो अब कोई आदमी ये कर सकता है ना कि लहू है फौरन तो काना का इस बना दे, अल्लाह को खबर बना दे, ऐसा कर सकता है ना आदमी, अगर कायदा पता होगा तो ये ऐसा नहीं करेगा,
उसको पता है भाई लाम हर्फ जर है, लहू ये कभी ओके इसमें बन ही नहीं सकता, तो अल्लाह को ही इसमें बनाएगा। ठीक है सर, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, और किसी को कोई बात इसमें भाई को तर्जमा करना चाहेंगे फिर से या कर दूं एक मरतबा? देखिए, शायर उन नसरानियों, एक नसरानी शायर, इत्तसला भी अब्दुल मलिक बिन मरवाना, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान से मिला मतलब उसके पास रहता था, वकान यदखुलु अलैहि बगैर इस्निन, बगैर इजाजत के आता जाता था, वअलैहि जुब्बतु खज्जिन, और उस पर ऊन का एक जुब्बा था, वफी उनुकिही सिलसिलतु ज़हबिन, सोने की जंजीर थी उसके गर्दन में, फीहा सलीबुन, जिसमें सुलैब थी, तनफुज़ु लिहयतुहु खमरन, उसकी दाढ़ी से जो है हमेशा शराब टपकता रहता था। मन, वो शख्स कौन है? वो अहद शुरा इन नकाइजी अल अख्तलु, वो शुरा नकाइज में से एक कौन है? अख्तल है। ये लिहयतुन के जमा लुहा है, लहयतुन नहीं है, ठीक, लिहयतुन जमा लुहा, वो हदीस में ओफिर लुहा वहफुज सवारी। कोई पढ़ना चाहते हो पढ़िए, जो अब तक ना पढ़े वैसे है कोई? मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ रुकिए, आप तो अभी आ रही, पढ़िए रुकिए। मनिल कायलु अन्नासु हम्मुहुमुल हयातु वला अरा तूलल हयाति यजीदु गैरा खबाली। बहुत अच्छा, रुकिए, बुशरा पढ़िए। من القائل الناس همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال. ترجمة كده بشرى. الناس लोगों की हम उनकी ये जिदोजहद अलहयातु वला अरा मकसद, दूसरा मकसद, अन्नासु हम्मुहुम अलहयातु, लोग उनकी मकसद क्या है, जिंदगी है। लोगों का मकसद उनकी जिंदगी है, वाला अरा, और वो उसके सिवा कुछ नहीं देखते। अरे रा यरा होता तो वो नहीं देखते, अरा माने मैं नहीं देखता हूँ ना, और यहाँ समझना करेंगे आप मानो, वाला अरा मैं नहीं समझता हूँ, तूलल हयाती जिंदगी के लंबे होने को, यजीदु कि वो बढ़ाता है, गैर खबाली परेशानी के अलावा कोई और चीज। खबाल का माना क्या है यार? सर जिल्लत और रसवाई भी हो सकता है, नुकसान शायद। चलिए इसी यही सब कोई मिलेंगे, और वो करेंगे इसका तर्जुमा, कोई पढ़ना चाहते हैं इसको? नजमुल रागी मिनारा, आपको मैं को कौन हुआ था? और आगे पढ़िए, यही सवाल पढ़ो। आगे कहाँ बैठे हैं आप? पढ़ी पढ़ी कोई बात नहीं, पढ़ी। मैंने लपाए जो अन्ना सुना, हम्मा हमल हाया तो ولا أرى طول الحياة يزيد غير الخبال. قائل هذا البيت الشاعر الأموي الأختالي. अच्छा राघव, आप तो पुराने हैं, इतना अच्छा पढ़ रहे हो आप, फिर से पढ़े थे इसको जरा। जितना आपको स्क्रीन पे देखो उतना पढ़िएगा, ठीक।
قائل هذا البيت. अच्छा राघव, आप तो पुराने ना, बताइए तो कायला पे जबर पढ़ रहे हैं आप, किस तरह आप जबर पढ़ सकते हैं, क्या कायदे हैं आपके पास जबर पढ़ने के? قائل 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 ठीक है, पढ़िए. قائل هذا البيت. क्यों बैतु क्यों पढ़ेंगे? इसमें निसारा हाजा और अलबेतु तो मुसरो निलई है. ठीक है, मुशार मुशार से क्या बनेगा वो? तो यहाँ क्या हाजल बेतु क्या माना करेंगे आप इसका? आप क्या माना करेंगे इसका बताइए? हाजल बेतु ये घर कहाँ है? ये घर यही होगा क्या? बैत माने यहाँ शेर, रुके ये वाला कीजिए, ये माने कीजिए, मैं जो लिखा हूँ लिखे तो पढ़े तो ये फा है. ठीक, पढ़िए. فاعل هذا العمل. क्या माने करेंगे इसका? ये अमल करो ये कुछ ऐसा, इस अमल का करने वाला, ये तो करेंगे. जी जी, क्या बनाएंगे आप फाइलों को, क्या बनाएंगे यहाँ पर? फाइल तो यहाँ मुबतदा होगा. अच्छा राघव, राघव आपको एक बात बताई गई थी, शायद आप अपने काव्य में ना लिखे हो, का के की का माना अक्सर मुजाफ मुजाफले के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर. और ये वाली बहस पहले छिड़ी थी यहाँ पर कि ये हम इसको क्या पढ़ेंगे, तो उसमें बात यही आई थी कि قائل هذا البيت کو قائلوں کو مضاف پڑھیں گے, هذا البيت کو مضاف الیہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک, اس شعر کا کہنے والا, یہ جو کا ہے نا, کا کہنے والا, یہ کا کے کی آپ اپنے کافی میں لکھ لیجیے آج اگر نہ لکھے ہوں تو, یہ اکثر مضاف مضاف الیہ میں استعمال ہوتا ہے. اور آپ اگر مان لیجئے کہ آپ اس کو مبتدا بنا رہے تھے تو پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ مبتدا خبر میں تو بات پوری ہو جاتی ہے, اب یہاں تو بات پوری نہیں ہو رہی ہے. मुतदा खबर एक मुकम्मल सेंटेंस होता है, वो उसमें बात पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बात पूरी नहीं हो रही आपकी, इसका ख्याल रखेंगे आप राजीव. ठीक, यह है قائل هذا البيت الشاعر الأموي الأخطر, इस शेर का कहने वाला ये अलग है, الشاعر الأموي الأخطر ये अलग है. बहुत अच्छा, चलिए माशाल्लाह, समझ में आया सबको, इसमें कोई दिक्कत? सर हाजल जो बेटी है ये मफ़ऊल नहीं बनेगा? नहीं मेरा, हमने पूछा था एक उस्ताद से, वो हम लोग जब पढ़ते थे अरबी सोम 2015 की बात है, हाँ 15-14 की बात होगी, तो उस समय वो पढ़ाते थे एक उनकी किताब है, क्या नाम है, कतरुन नदा वाले के मुसनिफ का नाम क्या है, कतरुन नदा और शरह सुदूर ज़हब, नौ में तो आप पढ़े होंगे उन लोग को, इब्ने हिशाम साहब की किताब है. हाँ, तो हमने उन्हीं से पूछा कि बताइए ये क्या है, तो उन्होंने कहा सही तरकीब यही है कि قائل هذا البيت قائل مضاف ہے هذا البيت مضاف الیہ, सही तरकीब यही है. अगर आपको बनाना ही इसको फेल फाइल, तो आप सिंपल से इसको अल अल दाखिल कर दीजिए, तो हो जाएगा ये अल قائل अलग हो जाएगा ये, अब ना आपको मजाक मुजाफले का टेंशन रहेगा ना कुछ करेगा, ये फेल फाइल मफूल वाला मामला हो जाएगा आपके यहाँ पर. ठीक, अल قائل الشاعر الأموي الأخطر هذا البيت, जैसे उन्होंने मुझे बताया, मुझे ये बात समझ में भी आती है. ओके, और दिक्कत नज़र से अगर देखा जाए तो हो सकता है कुछ और गुत्थियाँ सुलझ जाए फिर. और किन्हीं को कुछ कहना है यहाँ पर? किसी को कुछ ना समझ में आया हो, कोई तर्जमा करना चाहता हो बताइए. الناس همهم الحياة, लोगों की जिंदगी का मकसद क्या है? लोगों के मकसद सिर्फ जिंदगी है. اولا ارى طول الحياة يزيد غير خبالي, और जिंदगी का लंबा हो जाना, उम्र का लंबी उम्र का मिल जाना भी मुझे नहीं समझ में आता है कि वो खबाल परेशानी के अलावा कुछ और देता होगा. हाँ सर, या तुलल हयात है, इनको क्या इसम कहे दोनों मिला के, तुलल हयात है,
मन्नत क्या कहेंगे आप बताइए कि मैं हाँ इतना काट दे रहा सर, हूँ। तूल अल हयाती। हाँ सही, तो मुझे अगर मुझे इसमें नहीं पता कहना ही है। चाहते आप, मुजाफ होना किसकी अलामत है? मन्नत फेल की अलामत है, हर्फ की अलामत है। मन्नत आप इसमें क्या अलामत है, आप पढ़े हैं? इसमें अच्छा आप यार मन्नत ही बताइए, आपने कभी फेल फाइल नहीं, मुजाफ मुजाफ मुजाफिले को पढ़ा? सरफे में आपको पढ़ाया किसी ने मुजाफ मुजाफिले कि नौ में पढ़ाया था? शायद 9 में सर। अरे कुछ दिन बाद आपको पढ़ाया गया होगा, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, तो मुरक्कब गैर मुफीद में हाँ से मुजाफ मुजाफिले को पढ़ाया होगा, मौसू सिफत को पढ़ाया होगा। हाँ जी, हाँ क्या बात करें मुन्ने भाई आप भी, चलिए कोई बात नहीं। तो ये इसमें बन रहा ना, जाहिर सी बात है कि ना फेल की ठीक अलामत रहो, खबर की अलामत रहो। और कहीं ठीक को है कोई सर। बात? चार सर एक जब बात हरूफे मेरा, सर हरूफे जर के बाद जब जमीर आती है जैसे अलैहि अलैहा, तो उसका जो एरा वो उसका जो अमल है वही खत्म हो जाता है। तो वो तो तर्जमा पता चलेगा आपको, सर ये मुझे जैसे कि क्लियर है ना, मेरा तभी मैं। यहाँ। हाँ मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये वाली मिसाल है। हाँ ये देखिए, वालेही सर, यहाँ तो नहीं समझ में आएगा, वो कहाँ गया, एक और था, एक सेकंड, इधर आया था ना कहीं पर। हाँ ये रहा शुरू वाला, ये देखिए, ठीक ये देखिए, नहीं जुब्बा तो हस्किन ये वाला। नहीं उसको रहने दीजिए, वाला देखिए, ये वाला देखिए। अब लेकिन यहाँ तो आपकी जवाब नहीं है, मिन सखरिन, यहाँ तक आपको तर्जमा समझ में आ रहा है कि फरजदक जो है चट्टान से तलाश करता है, खत्म हो गया यहाँ तक तलाशता है वो, और जरीर अलग से बहस कर रहा नहीं, अल फरजदक है तो वही जरीर है वहाँ पर, वह जरीर यगरिफ मिन बारी। अब उस पर अलिफ़लाम नहीं दाखिल किया, फरजदक पर अलिफ़लाम दाखिल कर दिया इसलिए उस पर दाखिल हो जाता है। तो आपके सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? हाँ वालेही जुब्बतु खज़्ज़िन। ठीक है, बहुत अच्छा, ये देखिए। अब मेरा ये सबको पूरा काट दीजिए आप यहाँ, ठीक, ये देखिए, यस ये देखिए पूरा कट गया। अब आप यहाँ पर करके देखें इसको, कि क्या अलैही को आप जुब्बा पे, आला का जमीन में जुब्बा पर जाएगा, आला कुछ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? खुद देखिए, आपको नहीं कर, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये बिल्कुल सही समझ रहा है कि नहीं कर सकता है, तो आप उसको कुछ मत कीजिए, उसको इधर से लिख के देखिए, यस मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको। जुब्बतु खज़्ज़िन अलैहि सर। अब बताइए, अब काम करेगा क्या? तो वाला ही उसके बाद आ रहा है, नहीं बहुत दूर चला गया, बस सिंपल यस से ये सर, तरीका है, एक अच्छा सा कि नहीं मुझे समझ नहीं, आपको, गलत कर रही हाँ थी। आपको वहां पे इसलिए डर लग रहा था कि आले ही पहले है, जुब्बा बाद में तक अमल कर रहा होगा, लेकिन आप उसको शुरू में लिख करके देखिए, जुब्बा तो खजिन को आपने पहले कर दिया, आले ही को बाद में, कुछ मानक तब्दीली भी नहीं हुई, हर काम काम बन गया, आपको समझ में आया आले ही उस पर कुछ भी अमल नहीं कर पाएगा। यस क्यों नहीं कर पाएगा? इसलिए कि हु जमीर का मर्जा अख्तल है, अब अख्तल पर था, क्या था? जुब्बा तो खजिन था, तो अब अला उस पर कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। सर, बहुत अच्छा मेरा, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग आए माशाल्लाह, ऐसे ही लगे रहिए इंशाल्लाह, मेहनत कीजिए, जरूर जीआरएफ मिलेगा आप लोग को इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ। और फर्स्ट पेपर में अगर आप में से किसी की भी इंग्लिश वीक है या कंसेप्ट वीक है, तो मैं हूँ और तौहीदा, हम दोनों साथ मिलकर के एक वो कर रहे हैं, सुबह सुबह 6 से 7 तक, अगर अलविदा एकेडमी पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को जितना आएगा हम आपकी मदद भी करेंगे, और आपको एराब मतलब इंग्लिश को वो पढ़ना, उसमें अगर लुगत वगैरह कुछ आपको नहीं आता तो वो बताना, और आपके लिए DI वगैरह भी जितना भी होगा हम लोग से उतना हम करेंगे आपके लिए, ठीक। बाकी PYQs देखिए, अगर कुछ लोग लेकर के आते हैं तो अच्छा है जी मेरा। अच्छा सर सुबह की जरूरत है मुझे, लेकिन वो टाइमिंग नहीं सही क्यों मेरा? सर। एक्चुअली सुबह वो नाश्ता वगैरह, क्योंकि 7 से पहले ही मैं मैनेज करती हूँ, हस्बैंड जाते हैं कॉलेज 7 बजे, तो उनसे पहले उनको नाश्ता और लंच वगैरह देना होता है। मेरा असल में, मैं
मैं आपकी बात सुन तो लिया, लेकिन क्या कहूँ, मेरे लिए थोड़ा मसला ये है मेरा कि वही टाइम खाली मेरा, मैं काफ़ी क्लासेस ले रहा हूँ, उस वक्त क्लास ले रहा हूँ, अभी फ़ौरन क्लास है मेरी, फिर 2:30 से क्लास 4 बजे तक हो जाती मेरा, फिर 5 से हो जाती क्लास मेरा, तो काफ़ी क्लासेस है मेरे दिन में, थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए मेरा। हाँ आइए, और उसके अलावा हमने जो नवदीप मैम का वो कहा था वो वाला थोड़ा कीजिए मेरा, जी अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ज़रूर लगा ज़्यारत के, दे। हाँ मेरा मन का सर ऐसे लगा के तो मैं सुन लूंगी, साथ में काम भी करूंगी, लेकिन फिर फायदा नहीं है जब तक पूरा ध्यान ना दो उसमें। मेरा बात तो सही मेरा, पर मेरा हम लोग रिकॉर्डेड तो नहीं दे सकते यूट्यूब पर, क्योंकि हमारा अपना वो पीडीएफ वगैरह नहीं है, वो हमारा जी सर अनुजा अकेडमी का यूट्यूब चैनल भी बर्बाद हो जाएगा उसकी वजह से, तो रिकॉर्डेड आप देख लिया कीजिएगा ठीक, बाकी वहाँ पर जितना कर सकते हो उतना कीजिएगा ठीक मेरा, जैसे वक्तन फोक्तन अगर आप पढ़ पाए तो मैं नाम लूंगा पढ़िएगा, या थोड़ा जी सा सर मैनेज कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो हमें हेल्प हो रहा है, थोड़ा नाश्ता वगैरह उससे पहले कुछ करने की कोशिश कीजिए मैनेज ठीक मेरा, या घर के कुछ जी लोग और सर आपका हेल्प कर दे उस समय, कर सकते हैं, बहरहाल किसी का आप काम आइए, कोई आपका काम आए, यही जिंदगी है, पर बहुत कठिन जिंदगी भाई आप लोगों की, अल्लाह हम लोग देखिए तनहा है तो यह आलम है हम लोगों की, आप लोग ऐसे कुछ हो करके भी है, बहुत अच्छा भाई, चलिए फिर मिलते हैं।